इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के कन्नौज से आ रही है। बताया जा रहा है कि कन्नौज से अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि सपा ने 22 अप्रैल को ही अखिलेश यादव के भतीजे यानी कि तेज प्रताप यादव को कन्नौज का उम्मीदवार बनाया था, लेकिन अब सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव कन्नौज से लोकसभा 2024 का चुनाव लड़ सकते हैं। जब अखिलेश से पूछा गया कि क्या वे कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं तो अखिलेश ने सीधे तौर पर जवाब दिया, जो कन्नौज की जनता चाहेगी हम वही करेंगे। इसके साथ ही अखिलेश ने भाजपा पर भी प्रहार किया। आइए आपको सुनवाते हैं अखिलेश का वो बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि जो कन्नौज की जनता करेगी हम वही करेंगे। सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं। कन्नौज को लेकर सर कोई नई घोषणा होने वाली है? कन्नौज को लेकर सर कोई नई घोषणा होगी? जो कन्नौज की जनता कहेगी वो करूंगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वो ज्यादा संपत्ति वाला लोगों का सर्वे कराएगी, क्या कहेंगे? देखिए, जिस पर दो मकान है उससे एक मकान छीन लेंगे? नहीं नहीं नहीं, ये किसी चीज का इंटरप्रिटेशन गलत नहीं होना चाहिए। सोशलिज्म क्या है? कि सबके अंदर बराबरी हो, सबका साथ सबका विकास। क्या है, आप सबका विकास कैसे करोगे? तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी है या सबको बराबर का अधिकार मिले, अगर सरकार की ऐसे कार्यक्रम हो, ऐसी योजनाएं हो जिससे सब बराबर चल सकें और बराबर का उनको लाभ पहुंचे, तो क्या खराब है बताओ? सरकार की नीयत तो यही है ना। देखिए, बीजेपी से कुछ भी उम्मीद कर सकते हो। अरे, हारने वाला पहलवान क्या नहीं करता? कभी कान काट लेता है, कभी नोचता है, कपड़े फाड़ देता है। ये हारने वाले लोग हैं जो हार चुके हैं।